क्या अभी अगर डीजे नहीं निकलेगा, अगर प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर अगर निकाला जाए तो क्या हमारे राम भगवान खुश नहीं होंगे? डीजे पे पाबंदी है क्योंकि शोर के कारण कई लोगों को श्वास संबंधी दिक्कत होता है। और बात रही डीजे ताशा का, तो पिछले साल भी बजा था, इस बार भी डीजे, ढोल, नगाड़ा, ताशा पार्टी, ये सारी चीज इंक्लूड रहेंगे। बड़गांव थाना में जो शांति समिति की बैठक हुई थी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शांति समिति का जो आज बैठक हुआ था बहुत अच्छा हुआ। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बहुत सारे अखाड़े हैं और अखाड़ों में क्या कमियाँ हैं, जैसे तार कहीं झुलसा हुआ है या फिर कहीं पानी का समस्या है, कहीं रोड का समस्या है, कहीं नाली की समस्या है, तो ये सब समस्याओं पे आज चर्चा हुई है। और जो भी समस्या है वो नोट कर दिया गया है, वो आजकल में बिजली विभाग के द्वारा जो तार झुलसा हुआ है वो ठीक कर दिया जाएगा। चूँकि कुछ दिन पहले ही हमारे मुस्लिम भाइयों का एक त्यौहार था, उसमें बहुत बड़ा घटना हमारे यहाँ घट गया था, वो घटना दोबारा ना घटे इसलिए सारे चीज़ों को एकदम व्यवस्थित रूप से कर दिया जाएगा। शांति समिति में मुख्य रूप से मोदी जो झंडा है 36 वर्षों से रुका, उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही थी, उस पर कुछ? हाँ देखिए, बिल्कुल चर्चा हो रही थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये 36 साल से वहाँ का वनवास नहीं टूटा है, ये हमारे लिए और हमारे बड़का गांव के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम भाई हमारे नहीं हैं, लेकिन या कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा हम लोगों को रोका जाता है। अगर प्रशासन चाह ले या हम लोग चाह ले तो आपस में बैठ करके इस मुद्दा को सुलझाया जा सकता है, हम लोग वहाँ पे झंडा पार कर सकते हैं, लेकिन आखिर यहाँ पे क्या समस्या है जो कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि पंचायत से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होती है। अगर पंचायत में आपसी सहमति हो जाए तो कोर्ट भी उस चीज़ को मान लेता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोर्ट का इशू है। इशू बस बनाया जा रहा है रामनवमी को लेकर के, बाकी बात कोई कोर्ट का इशू नहीं है। अगर हम आपस में चाले, पंचायत अगर चाले, पंचायत से बड़ा कोई कानून नहीं होता है, कोई कोर्ट नहीं होता है, पंचायत सबसे बड़ा कोर्ट नीचे स्तर का होता है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस बार जैसे हम लोगों को उदाहरण दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि पिछले बार अगस्त में जो सिरमा का जो घटना घटा था, जो हमारी एक हिंदू बहन के साथ जो कान उठ बैठ करा दिया गया था, यहीं की स्थानीय विधायक ने उस लड़की से राखी बंधवा करके उन लोगों को भाई बनवा दिया गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमारे वो भाई बन चुके हैं तो हम भाइयों को उनके घर में जाने में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? अभी रामनवमी को लेकर जो मोहल्ले में जो चल रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको रामनवमी के टाइम पे ही क्यों याद आता है? क्यों ना इससे पहले भी समन्वय बना के किया जा सकता था, ये रामनवमी के टाइम पे ही क्यों याद आता है नेता? नहीं 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 नहीं, सबसे पहली बात कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रामनवमी में ही याद आती है, ये मुद्दा काफ़ी टाइम हम लोग बैठ करके भी इसमें हम लोग निर्णय लेने का प्रयास किए, लेकिन किसी कारणवश ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन जब सिरमा वाले मामले में जब हमारी विधायक महोदय ने जिस तरह से एक हिंदू बहन से राखी जब मुस्लिम भाइयों को बंधा दिया गया, तो मुझे लगा कि जो पहले जो मसला था अब तो वो मसला सुलझ गया है, चूँकि वो अब हमारे भाई हो गए, तो एक भाई को दूसरे भाई के यहाँ जाने में क्या समस्या, क्या पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं है, कोई मसला है ही नहीं। इसलिए इस बार रामनवमी का जो झंडा है वो मोदी जरूर जाएगा। डीजे के लेकर क्या कहना है आपको? डीजे का प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का गाइडलाइन है, जहां तक कि मुख्यमंत्री और हजारीबाग में एसपी डीएसपी का भी आदेश है कि डीजे नहीं बजेगा। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि ठीक है, कोर्ट का जो निर्णय है उसका मैं सम्मान करती हूँ और जो प्रशासन का भी निर्णय है मैं उसका भी सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि बाजा गाजा डीजे और ढोल नगाड़ा ये हमारा सांस्कृतिक है, हमारी परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है। अगर किन्हीं का कोई जन्म होता है तो हम उन्हें ढोल नगाड़े, गाजे बाजे और अस्त्र शस्त्र के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, तो ये हमारा जो धरोहर है वो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। ठीक है, अगर किसी तरीके से अगर कोर्ट पाबंदी लगा दी है तो थोड़ा सा मैनेज करके, लेकिन हम लोग जो भी हम लोग का जो कार्यक्रम है, जो भी डीजे साउंड का है, वो हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा संयम बनाकर। लेकिन समस्या ये है कि 100 साल पहले जो हमारी रामनवमी, हजारीबाग की रामनवमी, इंटरनेशनल रामनवमी आप लोग भी कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है, लेकिन क्या 100 साल पहले डीजे था? और क्या अभी अगर डीजे नहीं निकलेगा, अगर प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर अगर निकाला जाए तो क्या हमारे राम भगवान खुश नहीं होंगे? देखिए, इसका उदाहरण मैं आपसे भी पूछती हूँ, क्या आपके पास पहले
स्मार्टफोन था, हम डीजे की बात कर रहे हैं, नहीं एक मिनट, स्मार्टफोन था नहीं था, आप बिल्कुल वही ब्लैक एंड व्हाइट से अपना काम चला। तो आपका कहने का मतलब है कि राम भगवान भी मॉडर्न हो गए? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ कह रही हूँ राम भगवान मॉडल हो गए, मैं मेरा ये कहना है कि बिल्कुल जमाना मॉडल हो रहा है तो हम थोड़े से मॉडल, भगवान भी हमारे मॉडल हो गए आपका ये कहना? बिल्कुल, हम मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि राम, लेकिन जो हमारा जो सांस्कृतिक है जो हमेशा से चलते आ रहा है, और ऐसा नहीं कि डीजे आज चल रहा है, मुझे लगता है कि अब काफ़ी टाइम से डीजे भी चल रही है, और मैंने तो कहा है डीजे, ढोल, नगाड़ा, तासा पार्टी, ये सारे चीज़ इंक्लूड रहेंगे। महाराष्ट्र में आपकी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, वहाँ पे गणेश उत्सव होता है, हाँ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गणेश उत्सव होता है, वो सब लोग मनाते हैं, फिर भी वहाँ एक डीजे नहीं बचता है, एक डीजे नहीं बचता। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वहाँ पे डीजे नहीं बजती है, लेकिन यहाँ पे डीजे बजती है, तो और अभी जो भी कोर्ट का आदेश है कि, और डीसी मैम का भी आदेश है कि डीजे बजेगा, जो भी है 4-5 लाउड स्पीकर पे बजेगा तो बजना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बज रही है तो बजनी चाहिए। प्रशासन का कहना सिर्फ ये है कि नौजवान किसी के बहकावे में ना आए, अगर उनके ऊपर केस हो जाता है तो उनको आने वाले जो आगे वाला जो टाइम है, आने वाला टाइम, अगर वो किसी चीज़ में एग्जाम देते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, अगर उनके ऊपर FIR हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या राजनीतिक पार्टियाँ लेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिस पे ये नौबत, प्रशासन का कहना है, हाँ जी मैं वही कहना चाह रही हूँ कि लोग ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिसमें प्रशासन को मजबूर होकर के हमारे जो युवा भाई उस पर केस हो, हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर केस कैसे होगी, और जब केस नहीं होगी तो बिल्कुल हम, ऐसा कोई नौबत ही नहीं आएगा कि कोई राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करना है या नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि हैं पूनम साहू। अभी थाना में जो शांति समिति की बैठक रखी गई थी उसके बारे में क्या बोलेंगे? जो अभी थाना में शांति समिति की बैठक रखी गई, मैं उस संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग शांतिपूर्ण और नशा मुक्त त्यौहार मनाएं, ये हिंदुओं का त्यौहार है, हम लोग भक्त श्री राम का हैं। और बात रही डीजे ताशा का, तो पिछले साल भी बजा था, इस बार भी उस सिचुएशन में शांतिपूर्ण तरीके से कुछ प्रशासन भी कॉपरेट करे, कुछ हम लोग कॉपरेट करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल को हम लोग मनाएंगे। बड़कागांव में रामनवमी पर्व को मनाने के लिए आपका क्या सहयोग रहेगा और क्या कुछ करेंगे आप इस बार? इस बार रामनवमी महासमिति इस बार शोभा यात्रा निकाल रही, जो अष्टमी का होगा और भव्य होगा, इस क्षेत्र के बड़कागांव प्रखंड के जितने भी अखाड़ाधारी के पर अध्यक्ष सचिव हैं सबको बुला के गमछा, तो भगवा गमछा देकर सम्मानित करेंगे और वो शोभा यात्रा पूरा बड़कागांव में घूमेगा। प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का गाइडलाइन है डीजे नहीं बजाना, आप बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से डीजे बजाएंगे, इसका मतलब क्या है? डीजे नहीं, देखिए हम लोग कोर्ट का और न्यायालय का सम्मान करते हैं और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग त्यौहार को मनाएंगे। रामनवमी का त्यौहार हमारे सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा हुआ है, प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते मेरा सभी से आग्रह है कि खूब अच्छे से मनाएं, खूब बढ़िया से मनाएं, नशा का सेवन न करें और घरेलू वातावरण में और बहुत अच्छे से मनाएं। और क्या कुछ दिशा निर्देश प्रशासन का रहेगा जनता? डीजे पर पाबंदी है क्योंकि शोर के कारण कई लोगों को श्वास संबंधी दिक्कत होता है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश आ चुका है, 3775 कुछ लेटर नंबर है, उसके माध्यम से एक शोर के का एक स्तर है 10 डेसिबल से 45 डेसिबल, और रात में 10 से 6 नहीं बजाना है, तो वो तो शुरू का ही है राहुल, कुछ नया नियम नहीं है। तो विधायक जी बोल के गए कि डीजे का परिभाषा अलग है, आप अब बात करेंगे प्रशासन से, आप बजाइए। नहीं देखिए, जो हम लोग के पास हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके अनुसार से जो नियम है उसको देख लेना है, वही परिभाषा होगा ना, सुप्रीम कोर्ट ही तो व्याख्या करता है कानून का।